हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। और आज हम घूमने जा रहे हैं गौपाला गौ सदन, जो कि हरेवली गांव के अंदर उपस्थित है। इस हरेवली गांव के अंदर गौपाला गौ सदन घूमने का प्लान हमने अचानक से बनाया, क्योंकि मौसम बहुत ही सुहावना था। जब हमने मौसम सुहावना देखा तो हमने सोचा क्यों ना हम गौपाला गौ सदन घूमते हैं और आप सभी को एक नई गौशाला की यात्रा पर लेकर चलते हैं। और यह गौशाला आपको घूम के बहुत ही अच्छा लगेगा और मुझे उम्मीद है कि आप भी इस गौशाला को जरूरी जरूर देखना चाहेंगे। मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूं, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियोस को अगर पसंद आ रही है आपको तो आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। तो चलिए इस टूर पर हम चलते हैं। तो साथियों, हम आ चुके हैं गौपाला गौ सदन और यहाँ से राइट लेते ही हम पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ से राइट लेते ही हम गौपाल गौ सदन के अंदर हम आ जाएंगे। बट उससे पहले ही यहाँ पे बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिला कि गौशाला के सामने ही एक छोटी सी नहर जा रही है, जो कि अगर आप आएंगे तो आपको भी देख के बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी रुक करके इसकी एक वीडियो बना लूं और आपके साथ भी शेयर करूं। ले मत जाए ना भाई, बस देखो दोस्तों कितना जबरदस्त है गौशाला। और ये गौशाला वाकई में बहुत जबरदस्त है, क्योंकि यहाँ पर छोटी सी नहर जा रही है और इसके पीछे पूरा गौशाला है। और आपको मैं पूरा गौशाला विजिट करवाऊंगा। गोपाल गौसदन हरेवली, यहीं पर आकर के आपको अपनी बाइक, अपनी कार वगैरह आप यहां पे पार्क कर सकते हैं और यहां से आपको एंट्री करने के बाद आप इस पूरे गौशाला को घूम सकते हैं। हम एंट्री कर लिए, मौसम बहुत अच्छा हो रखा है और साथ साथ में बारिश भी हो रही थी, तो हम वेट कर रहे थे कि रिक्शा आए, बैटरी रिक्शा आए, और फिर हम बैटरी रिक्शा बैठ करके पूरे गौशाला को विज़िट करेंगे। तो दोस्तों, आज हम गोपाल गौसदन के बारे में कुछ बातें जानते हैं। गोपाल गौसदन हरेवली की नींव स्वर्गीय श्री अशोक सिंघल जी के द्वारा 1994 में विश्व हिंदू परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति को मजबूत करने, पुनः प्राप्त करने और फिर से स्थापित करने के प्रयासों के रूप में रखी गई थी। भारत की परंपराओं में गाय को दिव्य माता, गौ माता और स्वास्थ्य, ज्ञान और समृद्धि प्रदान करने वाली के रूप में पूजा जाता था। यहाँ गोपाल गौसदन में हम गायों को बीमारी, भूख और वध से बचाने के अनुकूल वातावरण, उचित भोजन और उचित चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करते हैं। हमारे पास गायों की शुद्ध भारतीय नस्लों के लिए एक समर्पित विशेष वार्ड है। इस वार्ड को कामधेनु वार्ड कहा जाता है। गोपाल गौ सदन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। हम हवन बार बनाने के लिए गाय के डंक, कपूर और आम की लकड़ियों के बुरादों का उपयोग करते हैं, जो मच्छर भगाने का काम भी करते हैं। हमारे पास परिसर के भीतर गौमूत्र संदूक निर्माण की सुविधा भी है। गौमूत्र का उपयोग 100 से अधिक रोगों के उपचार में किया जाता है। सभी निर्माण इकाइयों गोबर गैस संयंत्र से होने वाली आपूर्ति से चलती है। गोबर गैस का प्रयोग खाना बनाने में भी किया जाता है। हर एक बेड़े में अलग अलग आई है, किसी में 70 है, किसी में 100 है, है? ये सब क्या है? इसमें भी गाय रहती है। इसमें भी हमारे पास पुआल के लिए, भंडार के लिए 3 गोदाम है, जो फसल के मौसम के ठीक बाद स्थानीय ग्रामीणों से सीधे खरीदे जाते हैं। यहाँ हम 1,00,000 क्विंटल से ज़्यादा पराली का भंडारण कर सकते हैं। प्रत्येक गोदाम का आकार लगभग 220 फीट है। 100 फीट से किसानों से प्रतिदिन 450 क्विंटल हरा चारा खरीदा जाता है। सामान्य वार्ड में किसी भी समय 2,000 से अधिक गायें होती हैं। यहाँ हम केवल गौ सेवा करते हैं।
दूध दुहने का काम नहीं करते। गोपाला गौसदन गौशाला में गाय का स्वास्थ्य नंबर एक प्राथमिकता है। यहाँ हमारे पास परिसर में एक पशु चिकित्सक और दो ड्रेसर 2400 घंटे उपलब्ध रहते हैं, साथ ही दो समर्पित दवा भंडार कक्ष भी हैं ताकि सभी दवाएं तुरंत उपलब्ध कराई जा सके। अस्वस्थ गायों को विशेष चिकित्सा वार्ड में रखा जाता है जहां उनकी मदद के लिए 6 गौ सेवक होते हैं। गाय के लिए गहन देखभाल वार्ड है जो बिना मदद के खड़े होने में सक्षम नहीं है। ये वार्ड निकास और पंखे से अच्छी तरह हवादार हैं। सर्दियों में हीटर भी लगवाए जाते हैं। यहाँ गायों को उनकी स्वास्थ्य के आवश्यकता के अनुसार दिन में 2 बार ग्लूकोज दिया जाता है। हमारे पास केचुआ खाद तैयार करने के 50 बिस्तर भी हैं। गोपाल गौसदन गौशाला में लगभग 110 गौ सेवक गौ माता की सेवा में है। गौ सेवकों के बच्चों की स्कूली शिक्षा गौशाला द्वारा किया जाता है। परिसर के भीतर सिलाई केंद्र, कंप्यूटर केंद्र और गौ सेवक परिवार के लिए विशेष क्वार्टर प्रदान किए जाते हैं। ये सारी बातें गोपाला गौसदन को एक बहुत ही अच्छी जगह बनाता है जहाँ पर गायों की सेवा में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं की जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी भी इस गोपाला गौसदन की एक बार विजिटिंग जरूर करेंगे। आप सभी का पूरे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी और यह गोपाल गौसदन की वीडियो को आप अपने उन सभी लोगों को शेयर ज़रूर करेंगे जिनको गायों के प्रति प्रेम है। यह गौसदन का ये पार्क का एरिया है जहाँ पर आप अपना रेस्ट कर सकते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा सकते हैं। रेस्टरूम भी इधर ही है, तो यहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना मैं भी झूला झूल लूँ। तो हम इस पिक्चर के बाद हम झूला झूलने के लिए चले गए। आप सभी का वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।